नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुरिका वत्सल आप सबका फूड कनेक्शन में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च की सब्जी लेकर आई हूं। इसे बनाकर आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, वे भी बड़े खुश होंगे। और बनाना एकदम आसान है, घर पर रखे हुए सामानों से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। इसमें ना किसी क्रीम की ज़रूरत है, ना ही किसी काजू पेस्ट की, ना ही कोई स्पेशल ग्रेवी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक ग्रेवी वाली शिमला मिर्च की सब्जी कहलाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईजी से रेसिपी को बनाना। इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल स्पून बेसन लेंगे और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें एक हल्की हल्की सी सुगंध आने लगे। और जब इसमें अच्छी सुगंध आने लग जाएगी तो हम इसे निकाल कर साइड में कर लेंगे और इस बर्तन को पोंछ कर दोबारा से गर्म करेंगे। अब इसमें करीब 2 टेबलस्पून आप तेल डालें और उसे अच्छे से गर्म कर लें। इस गर्म तेल में हमें यहाँ पर इन शिमला मिर्च को हाई फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करना है। जी हाँ, हमें यहाँ पर पकाना नहीं है, यहाँ पर इन्हें बस हमें हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका हल्का कच्चापन भी चला जाए और इसका जो क्रंचीनेस है वह बना रहे, क्योंकि सब्जी में शिमला मिर्च का क्रंचीनेस बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है और ये हल्की सी बाद में ग्रेवी में जाकर भी पकती है, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। जिस तरह से कि हम चाइनीज सब्जियों में पकाते हैं उसी तरह से हमें इसे स्टर फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। तो इस तरह से हमारी ये शिमला मिर्च तैयार है, आप देख सकते हैं हल्का सा ही पका है। अब उसी तेल में हम प्याज के बड़े बड़े टुकड़े जिन्हें हमने इस तरह से काट लिया था कि इसके जो बाहर का हिस्सा है हमने यहाँ पर इसे फ्राई कर लिया है, जो अंदर का हिस्सा बचा था उसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है जो कि हमें ग्रेवी बनाने के काम आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है प्याज को भी, इन्हें भी बाहर निकाल लें। हो सके तो एक छलनी में आप निकाल लें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल गया है प्याज और शिमला मिर्च में, तो वह तेल हम वापस से इसी सब्जी में यूज़ कर लें और इस तरह से हम इन्हें भी साइड में रख देंगे। अब बचे हुए तेल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे और जो बारीक कटे प्याज हैं उन्हें इसमें डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे। साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छे से इन्हें लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक भून लें। इंडियन ग्रेवी में जब तक प्याज हल्का सा ब्राउन ना हो तब तक इसका मज़ा नहीं आता है, तो हमेशा प्याज को आप लो फ्लेम पर अच्छे से भूनें और इन्हें हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी कैरमलाइज होते हैं और बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो प्याज यहाँ पे भुन चुका है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार हिला लेंगे और मसाले को पका लेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घड़ा बढ़ा सकते हैं, पर थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। और इसमें करीब हम 1/4 कप के करीब दही डालेंगे। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए और इसे लो फ्लेम पर ना करके हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। जब भी सब्जी में दही डालें हमेशा हाई फ्लेम पर पकाएं ताकि ये दही फटे ना और ये अपना फैट जल्दी से जल्दी छोड़ दे। इसे सब्जी की रंगत चेंज हो जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इस तरह से हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो दही हमने डाला था उसने अपना फैट छोड़ दिया है और इसी से सब्जी में मस्त कलर आता है। अब हमने जो बेसन भुना था उसे इसमें डाल देंगे। बेसन ऑलरेडी हमने भून रखा है, पर इसमें एक बार और अच्छे से हिला लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये और अच्छे से भुन जाए, क्योंकि तेल के साथ भुने मसाले का और बेसन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें तैयार टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ टमाटर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालें, नमक यदि आप टमाटर के साथ डालेंगे तो टमाटर जल्दी पकता है और हमारी ग्रेवी वाली सब्जियाँ जल्दी से पक कर तैयार हो जाती हैं। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है और इसे 10 मिनट तक पकाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि सब्जी जले ना, और हम इसमें इसे लो फ्लेम पर बार बार पानी से थोड़ा थोड़ा डाल डाल के ढक 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 के अच्छे से पकाएंगे। ऐसा करने से कम तेल में बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर आती है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास टाइम है और आप बहुत अच्छी सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप इसे लो फ्लेम पर ढक कर पकाएं और जैसे ही पानी खत्म हो वापस थोड़ा पानी डालें फिर उन्हें पकाएं। होटल वाले ऐसे ही करते हैं और तभी उनकी सब्जी के ऊपर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया अच्छी सी रंगत और कलर आता है। वह इसी कारण आता है कि वे बार बार इसे लो फ्लेम पर खूब अच्छे से पकाते हैं। अब हम इसमें तली हुई शिमला मिर्च डालेंगे और साथ ही में तला हुआ प्याज डालेंगे। इसी समय आप यहाँ पर गर्म मसाला डाल दें और कसूरी मेथी, यदि आपको धनिया पसंद है फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी का फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए जनरली मैं कसूरी मेथी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये कसूरी मेथी भी घर की ही बनी हुई है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। जैसा कि शिमला मिर्च और प्याज पहले से ही फ्राइड हैं और हम यहाँ पर इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यदि शिमला मिर्च ज़्यादा पक जाएगी तो इसका
सब्जी का टेस्ट बदल जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा कच्चा ही रखेंगे। और जब भी आपको लगे कि सब्जी अच्छे से तैयार हो चुकी है, तब आप यहाँ पर गैस को बंद कर दें। हमारी मसाला शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगती है ये। इसे रोटी नान या आप लच्छा पराठा साथ सर्व करें, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी जाएगी। जब आप गेस्ट आएँ तो इस बार ये जरूर बनाएं। फटाफट से बनने वाली टेस्टी और बिना किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट की सब्जी को बनाकर अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करें। थैंक यू।